नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है वास्तु और हेल्थ में। आज हम बात करेंगे साउथ दिशा। साउथ दिशा, इसका तात्पर्य हुआ दक्षिण दिशा। अगर दक्षिण दिशा में आपका द्वार है और मुख्य द्वार है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके घुटनों में तकलीफ़ हो सकती है, और यहाँ पे पानी की निकासी होना आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या बनी रहेगी। ऐसे घर भी देखे गए हैं जहाँ पर टी पॉइंट होता है साउथ से, तो वहाँ पर हर समय आदमी को चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि पैसे का अभाव तो होता ही है और आदमी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, घुटने में तकलीफ रहती है, वो बहुत परेशान रहता है, हर समय सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, विचारों में परिवर्तन भी चलता रहता है, उसका मन उसका बहुत अशांत हो जाता है, घुटने की तकलीफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा कहा गया है कि इसमें अखरोट का सेवन करना चाहिए, उल्टी सीढ़ियाँ उतरना चाहिए, मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और साथ ही ऐसे व्यक्ति को अपना घर का मुख्य चौखट चेरी लाल रंग की कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से उसके रोगों का निवारण भी होता है और उसके जीवन में आ रही समस्याओं से समाधान भी मिलता है। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।